तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी छात्र और छात्राएं आज की वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बता दिया जाए आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अधिकतर छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आखिर होंगे कि नहीं होंगे, आखिर एक क्लियर फैसला हमारे सामने रख दिया जाए ताकि हम भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और आगे की जो हमारी तैयारी है वो भी पीछे ना रह जाए। तो आपको बता दें यूनिवर्सिटी परीक्षाएं की जितने भी हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के, एमए, एमएससी, एमकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र आज की वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को काफ़ी भयंकर और काफ़ी बड़ी अपडेट सुनने को मिलने वाली है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारे दिल्ली के जितने भी छात्र हैं, अधिकतर छात्रों की अभी परीक्षाएँ नहीं हुई हैं। सभी छात्र यही चाहते थे कि इस बार एग्ज़ामों को प्रमोट किया जाए, ठीक है, एग्ज़ाम ना हो, बिना परीक्षा सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि आगे से अगर कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो आप सभी तक बिल्कुल सही अपडेट सबसे पहले पहुँचाई जाएगी। आपको बता दिया जाए सबसे पहली और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, COVID-19 की जो सेकेंड वेव थी ये डाउन हुई थी, इसके कारण से ही यहाँ पे जो है थर्ड ईयर के और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की सरकार सोच रही थी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाए थर्ड वेव अब जो आपकी आनी थी, एक्सपेक्टेड थी कि जून के मंथ के एंड तक या जुलाई में जो है थर्ड वेव भी आ सकती है, उसकी अब खबरें यहाँ पे मीडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, कोरोना के आंकड़े फिर से एक बार बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को बता दें जुलाई में आप सभी के एग्ज़ाम 15 जुलाई के आसपास यहाँ पे स्टार्ट होने हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के, तो यहाँ पे इन एग्ज़ामों को फिर से आगे एक्सपेंड किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, नहीं तो इनको जो है परमानेंटली प्रमोट किया जा सकता है। बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको बता दिया जाए। ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, हमने बना लिया था, जितने भी छात्र थे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरा कंटेंट और पूरे नोट्स अवेलेबल कराए जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं आप सभी की यूनिवर्सिटी परीक्षाओं पर आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो भी अपडेट आ रही है उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सभी जो हमारे विश्वविद्यालय हैं इनको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक पारदर्शी नीति अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने सभी कुलपतियों को किसी प्रकार की शैक्षणिक देरी से बचने के लिए सितंबर में नया सत्र शुरू करने के निर्देश दे दिया, ठीक है। अब आपको बता दें 15 सितंबर से जब ये एग्ज़ाम शुरू होंगे, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, तो 15 अगस्त तक की किसी भी हालत में जो आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं इनको कंडक्ट हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे आदेश आया है। अब यहाँ पे अगर 15 अगस्त तक ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पाए तो ये 100% क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम फिर बिना परीक्षा के ही सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। और थर्ड वेव जैसा कि आप लोगों को बता दें 2-3 दिनों से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है कि थर्ड वेव आने की शंकाएँ बढ़ चुकी हैं, और अपडेट ये भी आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि जुलाई में ये जो आपकी थर्ड वेव है और भी ज़्यादा भयावह हो सकती है।